रोल। ओके गाइस, तो सबसे पहले स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हम कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल्सो, शो ने 150 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है और कैसे इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने वाले हैं? वो तो आप लोगों ने देखा ही, हमने क्या गोइंग टू से दैट। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा सारा टीम एफर्ट है। आज हमारी टीम की जीत हुई है और आने वाले बहुत सारे एपिसोड में आप देखेंगे कि कितना हम लोग मस्ती करते हैं, तो अच्छा लगा बहुत। तो क्या कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है इसके बाद भी, आप लोग जब भी छूटेंगे? ये सब निकी को पता होता है, तो निकी बताएगी। हम लोग बस वेट करें कि पीयूष वापस आ जाए। पीयूष फिलहाल इज गॉन समवेयर, एज़ सून एज़ ही इज बैक हम लोग पार्टी करेंगे और आप सब लोग देख ही लोगे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे। बहुत मिस कर रहे हैं विवो को, इतना कर रही थी कि पूरा वीडियो कॉल। सच में वो एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है हमारे शो का और हमारे साथ उसका बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। तो हर एपिसोड 50 पे हम सब लोगों ने पार्टी किया। 100 एपिसोड पे हम लोगों ने केक कट किया यहाँ पे, बट अभी 150 पे वो नहीं है तो बहुत कमी खली है उसकी, बहुत ज्यादा। निकी कैसा रहा जर्नी पूरा 150? Honestly, it's been such a crazy journey. I mean, you know, हमारे पास टाइम नहीं है इसे प्रोसेस करने के लिए, बिकॉज वी आर एक्टेड, नई चुड़ैल आ रही है, नई डायन आ रही है, सो देयर इज नो टाइम। बट ऑनेस्टली इट्स जस्ट अमेजिंग, आई हैव गॉट अ न्यू फैमिली एंड आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल टू स्टार भारत एंड निखिल सर। मैम आपका? एब्सोल्युटली, आई सेकंड दैट। मुझे और कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है क्योंकि ज्यादा इमोशंस को बोलते बोलते आदमी बह जाता है और मैं बहना नहीं चाहती क्योंकि हमारे ऑडियंस जो है उनको एपिसोड देखना है ना शैतानी रस्मों का नेक्स्ट, तो हमें शूटिंग भी करनी है। मैम आप कुछ? ऑसम फीलिंग। बहुत सारे शोज रहते हैं जो 100 एपिसोड कंप्लीट नहीं कर पाते, पर आपके शो ने 150 एपिसोड कंप्लीट किया, तो ये कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है ना, बहुत मायने रखता है। हमारी लेखनी ऐसी है, हमारे किरदार ऐसे हैं, हमारे चैनल पे जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है, हर एक चीज मैटर करता है और सब कोशिश कर रहे हैं और उसको कामयाबी कामयाबी मिल रही है तो वो बहुत बहुत अच्छी बात है ना। ओके, अगर आप लोगों को मौका मिलता है शो में कुछ चेंजेस लाने का, तो कुछ लाना चाहेंगे आपके हिसाब से कुछ भी? You know, honestly, I'm sorry I'm taking this because मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ कि राइटर्स क्या लिखते हैं, मैं इतना सोच भी नहीं सकती एंड आई एम लाइक वाओ, यू नो। सो आई थिंक आवर राइटर्स, आवर एंटायर टीम इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब एंड एज आवर जॉब वी आर परफॉर्मिंग एज मच एज वी कैन। जैसे हम सीन्स भी देखते हैं, सुपर नेचुरल सीन्स आप करते हो, तो कितना मजा आता है उसे करने को? बहुत मजा आता है, बहुत मजा। एज एन एक्टर भी इट्स लाइक एवरी डे न्यू चैलेंज, न्यू करने के लिए है शो में, कभी यहाँ गिर रहे हैं कभी वहाँ गिर रहे हैं। ऑल्सो ना आपको एक नया क्राफ्ट सीखने को मिल रहा है, काफी सारी चीजें होती हैं, टेक्निकल चीजें होती हैं, हार्नेसेस इन्वॉल्व हैं। आई थिंक एज आर्टिस्ट हमें बहुत क्रिएटिव फ्रीडम मिल रहा है जो ऑलमोस्ट सारे शोज में नहीं मिलते, सो दैट्स वी आर वेरी लकी। दैट इज ट्रू।